जब भी कोई व्यक्ति कार के गाड़ी के पिछले सीट पर पैसेंजर के रूप में बैठता है तब वो कई प्रकार के कार्य कर सकता है। फोन पर बात कर सकता है, मैसेज चेक कर सकता है, बगल वाले व्यक्ति से बात कर सकता है, कुछ खा सकता है, पी सकता है, बाहर गाड़ियों को देख सकता है या फिर बिलबोर्ड्स को देख सकता है। लेकिन जो ड्राइवर है, जो चालक है, वो यहां वहां नहीं देख सकता, वो फोन पर बात नहीं कर सकता, वो मैसेज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यदि ड्राइवर विचलित हो जाए, यदि ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तब एक ही बात होती है, एक्सीडेंट, अपघात। उसी प्रकार से जीवन की यात्रा में भी यदि हम विचलित हो जाए, यदि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो जो हम पाना चाहते हैं वो कभी नहीं पा सकते। और यदि हम विचलित नहीं होना चाहते तो हमें ड्राइवर, चालक की भूमिका निभानी पड़ेगी। जब तक हम पैसेंजर की भूमिका निभाएंगे तब तक हम विचलित रहेंगे, अपने संबंधों में हम विचलित रहेंगे, अपने कामकाज में, दैनंदिन कार्यों में हम विचलित रहेंगे, अपने आध्यात्मिक जीवन में हम विचलित रहेंगे, अपने निजी जीवन में और अपने मानसिक संतुलन में हम विचलित रहेंगे। यदि हमको अपने जीवन में कुछ पाना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हमको अपने जीवन में ड्राइवर, चालक की भूमिका निभानी पड़ेगी। हमको अपनी यात्रा का चार्ज लेना पड़ेगा। कई बार हम फोन को तो चार्ज कर देते हैं लेकिन जीवन को चार्ज करना भूल जाते हैं। कई बार हम अपने लैपटॉप को चार्ज कर लेते हैं लेकिन जीवन की यात्रा के इंचार्ज बनना भूल जाते हैं। और इसीलिए यदि अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो चार्ज लेना सीखो। पैसेंजर की भूमिका छोड़ दो, रिलैक्स करना छोड़ दो और ड्राइवर की भूमिका स्वीकार करो। फोकस करना शुरू करो, एकाग्र चित्त से ध्यान लगाना सीखो। और जैसे ये करोगे, यश, सक्सेस निश्चित रूप से आपके चरणों में आ जाएगा।